NH74 जो कि पीलीभीत जिले से होकर गुजरता है और इसकी दशा इतनी खराब है कि कैंसर की रोगी भी किसी की दशा खराब नहीं होती है। पिछले 15 साल से लगातार इस मार्ग को बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन 15 सालों में भी इस मार्ग का पूरा नहीं हो पाया। आज की दशा आप देखिए, पूरा हाईवे खुदा पड़ा हुआ है, मिट्टी की धुंध है और यहाँ पर बारिश होते ही अंधाधुंध हादसे होते हैं। अभी 2-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो यहाँ बहुत सारे लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ा था। रोडवेज की एक बस पलट गई थी, बहुत सारे वाहन फंस गए थे। और अब रात को छोड़िए, दिन में भी आप इस रोड पर चल नहीं सकते हैं। इतनी धुंध छाई होती है कि आपको पास तो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी है, पीला मिट्टी है, धुएं की तरह उड़ती रहती है। और आप इस मिट्टी से किस तरह निकलेंगे ये आप सोचिए। कोई मरीज अगर सांस दमे का मरीज है, सांस का मरीज है, तो भी इस मार्ग पर चल नहीं सकता, बरेली पहुंचते पहुंचते अधमरा हो जाएगा। कैसे चले? और प्रशासन है कि बस हाँ काम चल रहा है, जिन्हा 15 साल से काम चल रहा है। 50 किलोमीटर का रास्ता, 50 किलोमीटर का ये हाईवे पिछले 15 साल में नहीं बन पाया है। किसी एक सरकार को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि सभी सरकारें रही हैं, सभी दलों की पार्टियां रही हैं, सरकारें रही हैं जिन्होंने इसको देखा है और जिससे भी बात कही उसी ने आकर कोई नया बहाना गढ़ा कि हाँ ठीक है हम करा रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। कभी ठेकेदार की बार हुआ तो कभी पेमेंट अटका, कभी कुछ और कभी कुछ, लेकिन एक चीज हमेशा रही कि बरेली आने जाने वाले लोग, दिल्ली आने वाले लोग, वो लोग हमेशा यहाँ से परेशान रहे हैं और आज भी हैं। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब ये मार्ग बन पाएगा और NH यानी राष्ट्रीय राजमार्ग वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग बन पाएगा। आइए हम बात करते हैं पीलीभीत से पूर्व विधायक और मंत्री रहे हेमराज वर्मा जी से, देखें वो क्या कहते हैं आपसे। पीलीभीत का एकमात्र नेशनल हाईवे है जिससे लोग बरेली जाते हैं, बरेली से हम लोगों का संपर्क वहाँ का जुड़ा हुआ। इस समय बहुत ही बदहाली की स्थिति में है। कौन इसके लिए दोषी है, क्या कारण है, कई सालों से रोड बन रहा है, तो इसमें किसको आप जिम्मेदार मानेंगे? देखिए सीधी सी बात है, पीलीभीत जनपद की जनता ने जिन पर भरोसा किया आँख मूंद कर, उन्होंने ही धोखा दिया। और आज मैं तो राजनीति में, मेरा लोग ईमानदार अपने आप को कहें, लेकिन मैं उन्हें ईमानदार तब तक नहीं मानता हूं जब तक कि वो जिस लायक हैं, जो उनका पद है, जो उनकी हैसियत है, जो उनका नाम है, अगर उस नाम के अकॉर्डिंग अगर वो 50% भी काम अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं उसको ईमानदार नहीं मानता हूं। और आज उसी का नतीजा है कि आज जिस तरह से यहाँ के जो भ्रष्ट नेता हैं, बेईमान नेता हैं, जो अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन उनसे बड़ा कोई बेईमान नहीं हो सकता कि जिनके समय में जो भारत सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हो पीलीभीत का, और वहाँ का एकमात्र नेशनल हाईवे पीलीभीत बरेली, पीलीभीत जहानाबाद अमरिया, वो पिछले 15-16 सालों से बन रहा हो। और जहाँ उस मजे की बात है कि उसी रास्ते से जब वो आते हैं दिल्ली से, उसी रास्ते से आते भी हैं, उसी रास्ते से जाते भी हैं, और वो 15-16 सालों से जो रास्ता बन रहा हो अब तक ना बन पाया हो, जहां दलदल हो, वाहन फंस रहे हो, दुर्घटनाएं घट रही हो, इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती। इससे ऐसी दुर्दशा होने से पहले उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। ऐसे लोग जो 20-25 सालों से जिले से सांसद बन के जा रहे हैं और एक भारत सरकार की एक सड़क, एक नेशनल हाईवे को 10-12 किलोमीटर के टुकड़े को 15-16 सालों से नहीं बनवा पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।